राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो राजनीति करने के लिए, और अगर उनको ये एहसास हो रहा है कि हमारा वोट या हमारा वक्त या हमारे लोग फॉर ग्रांटेड है, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी डिमांड रखेंगे, उस डिमांड पे अगर आप बातचीत करेंगे, जैसे जिग्नेश ने राहुल के सामने दलितों की स्थिति पर बात रखी, अपनी डिमांड रखी, राहुल ने उससे एग्री किया, डिमांड तो उन्होंने सबके सामने रखी थी, बीजेपी ने बात ही नहीं करी थी। तो हमारे वोट्स जो हैं, हमारा वोट और सपोर्ट, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि ये पूरा आंदोलन चल रहा है, ये लोग सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए, कांग्रेस को लगता होगा शायद ये बीजेपी के खिलाफ बात करेंगे तो हमारे लिए बात हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन वोट और सपोर्ट ऐसा नहीं, शर्तों पर होगा, और इसी के लिए हम प्रेशर ड्रॉप करेंगे चुनाव के समय। कहीं ना कहीं जिग्नेश और आप भी पूरे देश में घूम रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आज नागपुर से जिस तरीके से कैंपेन आप कर रहे हैं, चलो भीम गोरेगांव, क्या थीम है उसके बाद में, जिस तरीके से 1 जनवरी के बाद में क्या आगे के प्लान्स रहेंगे आप? देखिए, देश में एक बात तो हुई है कि इतनी जागरूकता रोहित की शहादत ने, अजीत के रिस्पॉन्डिंग होने में, फोर्स डिसअपीयरेंस ने इतनी बढ़ा दी है गौरी लंकेश के मर्डर में, कि अब लोग जागरूक हो गए और सड़क पर आ रहे हैं और सामान कर रहे हैं। पूरे देश में जितने भी छोटे छोटे ये आंदोलन चले, वैसे 1 तारीख को चलो जयपुर का कॉल है, राजस्थान में जितनी मेट्रो सिटीज हैं जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता 1 तारीख को जयपुर पहुँचेंगे, मैं भी 1 तारीख को वहीं रहूँगा। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे, हमारे साथी जो 31 तारीख को वहाँ होंगे, उमर हमारा यूनाइटेड अगेंस्ट एड को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर, मनोज ओसना लहरी भी वहीं रहेंगी, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि पूरे देश में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग, उनको एक सूत्र में पिरोया जाए। अगर आज हम यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं और हमको लगता है कि भंडारा में कोई घटना हो गई, हमारे सूत्र वहाँ पर हैं, तो हम तुरंत वाहिद भाई से, वीरा साहब से संपर्क करें और उनको ये सूचना दें, और अगर उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना ऐसी घट रही है तो वो तुरंत हमें सूचना दें, और हमारा इस तरह का एक लचीला बड़ा मुहिम, बड़े लेवल का कंपेन पूरे देश में एक साथ चले। जी, एक आखिरी सवाल, ये सवाल मुझे जिग्नेश से करनी थी, मुझे याद, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारण, वो आप बताएं कि क्या कारण था। क्या लगता है जिग्नेश, जिस तरीके से इलेक्शन जीता, दलित मुस्लिमों की बात करते करते जीत गया, चलिए ठीक है, लेकिन जो भाषाएं उनके अभी पीएम मोदी की चेंज हुई है, आपको लगता है भाषाएं क्या पकड़ रहे हैं? देखिए, 2000 आदमियों के कातिल के साथ में अगर आप अच्छे व्यवहार और अच्छी भाषा की बात करेंगे तो ये हम लोगों को, मोदी किसी के लिए भी माननीय हो सकते हैं, लेकिन मोदी ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग गुलबर्गा सोसाइटी में सांसद जाफरी के साथ में किया था, जब उन्होंने फ़ोन मदद के लिए किया था, तो उस भाषा को ध्यान में रखें और फिर आप बताएं कि किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए होना चाहिए। मोदी की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी को अपनी भाषा याद दिला रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ, INN24 न्यूज़।